जम्मू कश्मीर में स्नाइपर हमले में सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती सामने आ रही है, जिसके मुकाबले के लिए नई रणनीति बनानी पड़ी। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में स्नाइपर हमले में 3 जवानों के शहीद होने के बाद सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई है। सुरक्षा बलों के लिए स्नाइपर आतंकवादी नई चुनौती बन गए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कश्मीर घाटी में जैश ए मोहम्मद के 4 स्नाइपर आतंकी घुस चुके हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में जैश ए मोहम्मद के स्नाइपरों के 2 ग्रुप कश्मीर घाटी में दाखिल हुए। दोनों ग्रुप में 2-2 स्नाइपर शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन स्नाइपर हमलावरों को पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के कुछ ओवरग्राउंड समर्थकों ने पनाह दी। जैश ए मोहम्मद के इन आतंकवादियों को पाकिस्तान में ISI ने खास ट्रेनिंग दी है, जो घाटी में घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं।